أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومرشدنا بالقاسم محمد. من الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين ولعنكم الله على أعدائهم أجمعين من كل يوم هذا على يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صلوات بر بنائے اتفاق اور بر بنائے التفاق. میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اور یہ تکرار ہے کیونکہ آج گزشتہ بھی یہ تشریف ہو میں نہیں اختلاف کیا تھا، لیکن وہی میں نے کہا کہ جو اتفاق بھی اور التفاق، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ بہرحال لیکن بہار میرے لیے فخر کی بات ہے، اس لیے کہ جتنا متوجہ اور جتنا محبت کرنے والا یہ مجموعہ ہے، اس کا ہی مجھے نہیں
और मैं नए नए मतालिब आपकी तरफ पेश करता हूँ जो मैं कहीं और नहीं पढ़ता, क्योंकि ये अकलों के एतबार से ही पढ़ा जाता है और शुरू के एतबार से, तो इसलिए ये मेरे लिए आसानी हो जाती है कि मैं वो सारे मतालिब जो पूछता हूँ साल भर या तैयार करता हूँ, बेहतर मजमा सबसे अच्छा यही होता है कि ना यहाँ पेश करते हैं। ये मेरी शहादत है और आपकी जरा नवाजी है, वरना मैं कुछ नहीं और कुछ ना बयान कर पाता हूँ ना जानता हूँ। जाहिल इंसान है, जाहिल है, मतलब ये नहीं मुरक्कब आप ऐसा कहाँ आया, आपकी जरा नवाजी है कि जब आप बुला करके ये खिदमत मुझे अंजाम देने का मौका देते हैं, मुझे सवाब मिलता है, आप समाप्राची को भी आप बर्दाश्त करते हैं और सवाब हासिल कर लेते हैं, तो इसलिए दोनों ही के लिए महाराज अगर आप पूरी दुनिया का मुतालिया करें और मैं बड़े ही एतमाद के साथ कह रहा हूं, इंसान की जिंदगी के हर गोशे में चले जाए, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, चाहे वो गुर्बत हो चाहे वो ऐश हो, चाहे वो वतन हो चाहे गरीबुल वतनी हो, चाहे वो जुल्म सितम हो चाहे वो अमन अमान हो, चाहे वो घर में हो या घर से बाहर हो, चाहे वो मस्जिद में हो या उसके अलावा दुनिया के सामने हो, चाहे वो किसी अपनी तिजारत में हो या अपने काम में हो, हर जिंदगी के हर गोशे में जब हमने तलाश किया तो सुकून न हो, चाहे आप कुछ कर लें दुनिया के सारी अरसों इज्जत को छोड़, लेकिन सुकून कल्ब आपको नहीं मिल सकता। सुकून कहाँ मिला? अल्लाह ने कहा, अल्लाह अल्लाह के जिक्र के किसी चीज में इत्मीनान के कल्ब नहीं, खरीद नहीं सकते, ला नहीं सकते, आर्यतन दे नहीं सकते, किसी से दे नहीं सकते, किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ फकत फकत आप हैं और जिक्र परवरदिगार है जो सुकून। ये तो हो गया, कुरान ने वादा किया है और कुरान का दावा, लेकिन मैंने एक और तफ्तीश कर ली और उस तफ्तीश में मैंने पाया कि हाँ परवरदिगार तेरा जिक्र यकीनन मुझे सुकून देता है, लेकिन एक जिक्र और है जो रूह को सलमान पढ़ने मोहम्मद वाला तू तो आजम है, तू कुदरत रखता है, तू कमाल रखता है, तू जमाल रखता है, तेरे कब्जे कुदरत है, अगर तेरा जिक्र ना हो तो किसका होना था, लेकिन मैं क्या करूं परवरदिगार एक जिक्र ऐसा आ जाता है कि मेरे दिल को सुकून देता है, परवरदिगार मुझे कहने लगे कि इसका जिक्र भी तेरा ही जिक्र तो नहीं है मोहम्मद वाला। दुनिया के किसी दोस्तों में चले जाए, औलाद है, बाद है, माल है, घर है, तमारात है, हर चीज मिल जाए आपको, मगर जहाँ एक हाथ पढ़ना याद है, ये हर पैसा पसंदी हासिल करता है जो वो कभी नहीं मिलता, ना वो खरीदी जा सकती है ना वो बेची जा सकती है, वही एक सुकून के जिसकी तलाश दुनिया में लोग कर रहे हैं, दुनिया आमादगाह है आपके लिए हराम है, मोमिन के लिए इस तरह से आप पिंजरे में बंद हैं, आपको आजादी नहीं,
आपका दिल होते रहा 14 सदी में जुल्म देखे हैं आपके ऊपर, आपका खून बहाया गया है, आपके खून से दीवारें बनाई गई है, तारा बनाया गया है जिससे दीवारें बनी है, आपको गरीबुल वतन किया गया है, आपके गले काटे गए हैं, आप पर तमाम तरह के मजालिम किए गए हैं। क्या बताया जाए कि जैसे ये कौन सारे मजालिम की बात कर रही है, कुछ भी नहीं है, यह कुछ नहीं है इसके वाय होते हैं। हुसैन मिल गए सब मिल गया, और हुसैन न मिले तो कुछ ना मिला। दुआए अरफा में मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, और बड़ा अजब से दुआ कर रही हूँ। जरा फरमाते हैं परवर खुदा, कितने क्या पाया किसने, मुझे और किसने क्या खोया, हूँ अगर इसी के पैरेलल एक घूमना मैं बताऊँ, उसमें क्या पाया, उसने हुसैन को इसने क्या खोया, हमसे ना पूछो, भूल के तार के पूछ ले, हमसे बात ना करो, अभी से पूछना, हमसे ना पूछो, बात जॉन से पूछो, तुम कौन थे, उससे तुम दरबला में लेके हुसैन आए, घोड़े वाला पूरी फौज में तलातुम मच जाता है अगर 3 दिन की भूखी प्यासी कोई और फौज हो। मैदान में हुसैन ने लाके टक्कर मारा, एक शख्स नहीं था जो हुक्म हुसैन से तजावुज कर, ये है हुसैन, और पूरी दुनिया पूरे दीन में मैं है, और बढ़ के कहूँ कि ईमान में तो सारा ईमान आप ले आई कर डालिए सारे वो काम, मोमिनीन उनकी बात कर रहा हूँ, मुसलमान की नहीं कर रहा हूँ, मोमिनीन जिनके लिए आयमा की अहादीस आपको मिल जाए, 1000 हज किया हो, 1000 हज, एक हज करने में पता चल जाता है क्या हाल है आदमी का, बहुत कर लिया जिंदगी में, 2-4 हज कर लिए तो बहुत इतमान हो गया, जरूरत हो गया, हिम्मत नहीं है, वहां की गर्मी, वहां का तवाफ, वहां की सही, वहां के धक्के, वहां की मुश्किल बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं, सबके जवान हटे कटके 1000 हज करने का मतलब जानते हैं, 1000 हज तेरे जब के रोजे पे नहीं गए हो तो ये 1000 हज की क्यों गई, और ईमान तो लिया, सारे ने काम किए, भाई हज करने गए हैं, नमाज रोजे के पाबंद हैं तभी तो हज पे गए होंगे ना, पहले वाली मंजिल सारी पूरी करनी होगी तभी तो तुम लेंगे 1000 हज करके आएंगे, ईमान की वजन में है आदमी, फरमाते हैं कि तुमने कितने हज किए, 20 हज, कहा मेरे जब के रोजे में जब आया ना रसूल अल्लाह अभी जा नहीं पाया, तुम्हारे ये फर्ज आया तो समझो कि पूरे नहीं हुए जब तक जा रहे हो, तो ईमान में भी ये कैफियत है कि सब कुछ हासिल कर लेने के बाद अगर चमन ईमान से हुसैन को निकाल तो जितने गुल आए चमन है वो सब जाएगी, उन चमन के गुणों की मेहनत खत्म हो जाएगी, एक अगस्त का इंद्रम हो जाएगी कि उसका मेरा और खत्म सिवाय हुसैन के, क्या कहूँ, कैसी पनाहगाह है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल दावे के साथ, अगर होता मुकाबला तो पैगंबर कह देते ये भी चरा देगा, लेकिन कह रहे हैं कि इन हुसैन हो इस बार हो तो सही कौन कह रहा है, खुद सिराज मुनीर है, सिराज मुनीर की रोशनी क्या काफी नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम कह रहे हैं कि देखो हमारे और तुम्हारे दरमियान में अगर कोई हायल हो जाए और रोशनी ना पहुंचे तो इधर जो चराग जल रहा है वो हुसैन का, तुम्हें हिदायत ऐसी देगा कि तुम्हें
منزله مخطوطه في المخطط. جهه مبارکباد بھیجی ہے لوگوں کو. آپ ذرا سوچئے کہ یہ پہلی تاریخ جو محرم کی ہے جو سب لگی نکل اور آج پہلی ہے, یہ پہلی محرم کس لیے ہے؟ نئے سال کا آغاز ہے. آئیے دیکھتے ہیں تاریخ میں نئے سال میں کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ساتھ دے دیجیے. شب ہجرت کے بعد ہی تو سال شروع ہوا ہجری, یعنی ہجرت ہوئی, یعنی ایک سویا ایک رویا. اطمینان سے سویا, پیغمبر کے بستر سے سویا, نائب بن سے سویا, پیغمبر کے برابر ہے. اچھا ہو رہا ہے اسی لیے رات بھر پریشان ہے باہر. تو یہ تو ہمارے لیے تو اچھی بات ہے, یہ تو کبھی نہ ہوئی نہیں وہیں آ رہے ہیں. یہ ہونے والا پہلا فرشتہ رو رہا ہے اور امت یہاں بدتمیزی نکال کے کہہ رہی ہے کہ نیا سال تو سلوار پڑھ رہے ہیں. محمد اگلی تاریخ تو یوں نکل گئی, ساتھ دینا چاہیے. آپ تو آبت کے عمل کرتے ہی ماسا کچھ باہر میں ڈاکٹر ہوگی ہم تو پیٹ کا باہر ہوگی ہماری جگہ سارے ہیرا ہے وہاں کی یہاں گھر آئی ہوئی ہو جو بھی رہی ہو چلیے جا کے اکاسی کر لیجیے. زیادہ سے زیادہ کسی اپنے سبور کا کر اپنے لالو کر لیجیے. اس کے علاوہ اور کیا یادگار بنا رہے ہیں آپ؟ سبھی میں سبھی بنتی چلی جائے گی چلیے. پہلی دن پہلی تاریخ نکل گئی, دوسری تاریخ, دوسری تاریخ تو بڑی مار کا چلا رہا ہے آپ کے لیے. ہمارے لیے تو نہیں ہے دو محرم دوسرے خلیفہ کی تاریخ منایا جاتا ہے ان کا کم طرح کا غم مناتے ہیں جو سمجھ میں آج تک سمجھ ہی نہیں پایا. غم کے آنکھوں آنکھ میں دیکھے ہی نہیں, کبھی نہیں دیکھے. بھائی پیغمبر کی وفات میں تو منا سکتے ہیں, وہ تو سب کے لیے مسترد ہیں. بارہ وفات کو منا سکتے ہیں تو بارہ وفات کو پیغمبر کی وفات ہی تو ہوئی ہے. آج میں پیغمبر کی آج وفات ہوئی مل کے ہمارا آپ بیٹھ کے روتے ہیں. آپ نے سنا ہے کبھی مجھے پرسکر دار پیغمبر کی بچھاری ہو تو پیدا ہونے کا زیادہ شور مچا رہے, جانے کا شور نہیں مچا رہے. دنیا سے جگہ بھائی ایسا کر دو کہ اس کو ہاتھ پھر ہاتھ دے کر لو. یہ کہ کر لو کہ تاپ اور جب سال کر لو, ایک سال رو لو, دونوں لوگ دیکھ رہے تمہارا جواب یہ دینا چاہیے کہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری احادیث میں حسین کی حیثیت کیا. تمہاری حدیث ہماری نہیں, تمہاری ہم اپنی تو نکال کے دکھا دیں گے, ہمیں تو معلوم ہے. تمہاری احادیث میں جو حسین کی حیثیت ہے اس کو سمجھ لو اور اس کے بعد پیغمبر سے سن لو. کیا کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر اگر بیٹے کا پاؤں الجھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا,
On sign, your and Ramadan healer of sports are available. अभी तो नहीं कह सकते थे बड़े मुझे इतना काम इधर उन लोगों से पहले की ना नाम है मेरे बेटे को था ना इधर इधर मामला तो आ रहा होता था नहीं बहन किसी और क्या हो उस दिन हाँ 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 ये है ना तो इनके सामने आ जाएगा कि बहन कभी खाई जाए हाँ नहीं ये हिम्मत है इसको उठाने वाला भी बड़ी तारीफ होती है पैगंबर की सवारी जनाब ईसा की सवारी का किस्सा मिलता है कि वो जिस गधे पे सवार होते थे नारायण कहीं की ना वो आपने वाक्य सुना भी होगा यजीद के दरबार में ईसाई ने कहा था कि तुमको क्या मालूम साल में एक मरतबा वो इज्तम होता है वहां जाते हो ईसा की गधे की नाल की जो है हम तवाफ करते क्योंकि आपकी इज्जत है सवारी की इज्जत है नहीं है लोगों के साथ बड़े सवार थे सवारी की है लेकिन जो बात समझ रहे हैं कि सवारी करना और है हर दूसरे उनकी पुष्प पर कौन है यह तय करो पहले यह कौन है जो रसूल की पुष्प पर है जिसमें किसी ने कहे भी नहीं जाने मर राके ये हमारा अच्छा राके है नियमल मरकब पहले कहा जब नियमल मरकब कहा तो ये क्यों ये बता रहा ये ना कहना कि सवारी कैसे और निर्भर राके और सवार करना अब मैं रसूल को जहां देखूंगा मेरा तसव्वुर कहता है कि पर हुसैन सवार है कभी हसन सवार है कभी अली सवार है सवार दो रिसालत पे वो हुसैन तो अब इसका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है समझ रहे हैं कि पुराने सारे मतलब ये बहुत कोशिशें की जा सकती हैं कि अंजाम अजा को और हुसैन के गम को कम करने की कोशिश लेकिन इन बेवकूफों को अहमकों को पता नहीं है कि जदीद और मुतवक्किल जैसे काम और वो इस अजा को रोक में न जाने कैसे कैसे सलातीन और बादशाह के खजानों के मुंह खुल गए लेकिन ना हमें हुसैन को कम कर पाए ना अदाए ना हुसैन पर आंसुओं को रोक पाए ना हुसैन बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आंसुओं के सैलाब में ये फट जाए न रोना शुरू किया तो हम पर ताने दिए रोने वाली को मिल जाते गिरिया को रोते हैं हर वक्त रोते हैं हाँ हम रोते हैं लेकिन अपनी बदकिस्मती पे नहीं रोते अपनी खजालत पे नहीं रोते अपनी नाकामी पे नहीं रोते मुसीबत पर रोते हैं जो उन पर बल्कि अपनी मुसीबत को भूल जाते हैं उनकी मुसीबत को तब जाकर के हम सही मोहब्बत का इजहार करते हमारी औकात क्या है हमारे गुनाह क्या है हमारी औलाद क्या है हमारे माँ बाप क्या है हमारी मुसीबतें क्या है हमारा कोई भी चला जाए नहीं क्या उसके लिए मजलिस करें नहीं हम मजलिस करते हैं इमाम के लिए मजलूमीन के लिए अपने गम को उनके गम से मिला देते हम अपने गम को खत्म कर देते हैं अपने गम की कोई वैल्यू नहीं रहती कोई हैसियत नहीं रहती सिवाय उनका गम और वो गम ऐसा जिंदा है कि हमेशा जिंदा रहता है आज अभी तस्करा होगा तब भी होगा एक एक दिन में दस दस मजलिसें होती है बीस बीस मजलिसें होती है हर एक की गिरिया होता है करने वाले मातम गिरिया हर वक्त करते रहते हैं ना आंखें सूखती हैं ना वो थकते हैं ना उनको कोई परेशानी होती है ना वो शिकायत करते हैं
ना वो किसी तरीके का शिफा किसी का मान के लाते हैं। अरे भाई मजलिस कर रहे हैं, होता ही है कि एक और हो रही है तो ये भी कर लेते, घर जा रहे हैं सब कुछ करके रास्ते में देखा मजलिस हो रही, रुक गए। अरे माता तो मिली गया, ज्यारत तो मिली गई, सवाब तो मिली गया, गम में शरीक तो हो गई, सारा सब कुछ निसार करते हैं उनके गम। क्यों क्यों हटे ईमान से, इन्होंने शरीर में एक मरतबा ईमान कहते हैं जब ना शरीर देखो किसी चीज पर रोना है तो तुम सिर्फ मेरे जद पर रो, यानी हर हम का मरहम है यहाँ कितने लोग बैठे हैं और कितने आए हैं यहाँ और कितनी मुसीबत है। आप अगर सबके दिल पटोल के देखिए ना, अरे किसी ना किसी मुसीबत में कहीं ना कहीं गिरफ्तार है, चाहे जवान ना बोलता है क्योंकि औलाद की मुश्किल है, किसी को औलाद पसंद है, किसी की बीमारी है, किसी की बिजनेस मुश्किल है, कोई वक्त जरूर है, किसी की मामूली मुश्किल है, सारे भेद की जिंदगी का प्रभाव है। और हुसैन ही हल निकाले, अगर मसला हल भी ना हो तो यहाँ आके जो सुकून मिल रहा है वो कहीं और नहीं उसको मिल पाएगा, इसलिए वो आया अपने दिल के सुकून को। और तो यहाँ आने के उन्वान को अगर आप समझना चाहें तो पता नहीं कितने पचासों और हजारों दावे उनमें से एक दाविया शायद जो हो कि आज ऐसा गम का दिन है कि चलो पक्षे ऐसा के चलो रूम खींच के ले रहा है इंसान का आता है, कहीं अगर किसी एक जिला गेट फंस जाए जहाँ पर मजबूत हो रही बहुत परेशान होता है, आजकल तो ऑनलाइन मिल जाती है मजलिस, वरना पहले तो नहीं तलाश कर करके ढूंढ ढूंढ के चार लोग मिल जाते तो मातम करके भी सुकून मिलता, इसलिए क्योंकि रूह तलाश कर रही है। इमाम फरमाते हैं हमारे शिया हमारी सुन्नत से बनाए गए हैं, सुन्नत जहाँ की होगी वहीं उसकी उगाड़ होगी, वहीं पहुंचेगी, ऐसा नहीं कि वो कीमत जगह घट जाएगी। हमारे शिया हमारी तीनत से बनाए गए, इमाम अगर कमजोर है तो तीनत के ऊपर भी असर होना चाहिए। कि अगर हम आए तो इसलिए आए हैं कि हमारे आने से हमारा शरीर तमाम पक्ष क्या रसूल के लिए कोशिश की है, रसूल लेकिन जो भी हुसैन के लिए हो रहा है वो रसूल के लिए, तो इसलिए काम आसान हो जाता है। आए हैं मजलिस में यहाँ लेकिन रसूल को आए, और रसूल को राजी नहीं करेंगे पांच बेहान को आए, ऐसे एक राजी हुआ तो सब राजी हो जाएंगे, एक नाराज हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, उसमें शहजादी भी है, अगर नाराज हैं तो बड़े बड़ों से नाराज चल नहीं पाए, आज भी सदियों से नाराज चल नहीं आए, कैसे गई आए, मैं माफ करे बिना माफ नहीं करूंगी, मैं दुनिया से चली जाऊंगी लेकिन तुम दोनों को माफ नहीं करने वाली हूँ। अगर वो नाराज हैं तो फिर कुछ भी कर ले आप, नाक रजी अल्लाह का तारीखिन लगा, राजी होंगी तभी रजी अल्लाह हो गया, और कलवार कर दे मामला साफ है, बिल्कुल आसान
वो खुश हो गई कि तुमने हमको खुश कर दिया, बस इतना काफी है शहजादी, आपकी नजर करम पड़ जाए इसलिए हम यहाँ आते। अरे चैन माँ के बिको बेटे के जिक्र से ये मजसे है बाई से तस्कीन है फातिमा, हम इसलिए आते हैं ताकि एक दुखदारी माँ है जिसके दिल में एक ख्याल पैदा हो गया था, ए बाबा मेरे बेटे पर हुए बस इस ख्याल की वजह से हम हटते अदब रखते हैं शहजादी का देव भी हम तो हमें रोने के लिए हमारी औलाद को अदब हमेशा हो गया फख्र है कि हम हुसैन पर होते हम हैं मिलत जिया को हमें फख्र है और आप समझ लें कि पूरे पै करे अकवाम आलम में हमारी मिसाल वैसी है जैसे आंख की अगर नियत दर अगर नियत दर अगर कितनी दुनिया में कितने हम हमारी बिल्कुल आंख जैसी करती है वो जितनी कितनी कितना बड़ा जिसमें उसमें आंख कितनी थी मगर हाथ नहीं रोता पांव नहीं रोता रोती है तो आंख जिसमें नूर होता है वो रोता उसके अलावा नहीं रोता। अब रोने का तो रोने की कैफियत ये होगी कि वो दिनों रात ही रोएगा और वक्त और अय्याम को भी नहीं देखता साल भर रोता है। ऐसा नहीं कि यही सवा दो महीने में हुसैन याद किए जाते हैं करबला याद की जाती है नहीं हुसैन पूरी साल याद किए जाते हैं। आपको देखना हो तो जाके देख लें किसके रोजे पर और हर इमाम के रोजे की कैफियत ये कितनी नमाजें पढ़ी जाती हैं जितनी वहां पढ़ जाए अब बताएं दिन और रात 24 घंटा कितने लोग मिलियन से मिलियन से मिलियन और हर एक तो जाता है तो कितनी नमाजें फकत हैं जो हुसैन इब्ने अली के रोजे में पढ़ कितना कुरान है जो वहां तिलावत की जाती है कितनी दुआएं हैं जो वहां की जाती है हुसैन का वो रोजा हुसैन का वो जवार जन्नत का टुकड़ा है कि नहीं वहां आपने देखा किसी की आंख फंस रही थी जिनकी आंख खराब उनकी बात अलग है जिनका कुछ नहीं कर सकते लेकिन जिनकी आंख फंसती वैसे भी नहीं खराब हो सकती है नजर खराब हो सकती है तो कोई मजाक नहीं है लेकिन ये कहने का मकसद है कि जिसका जो वजीफा है वो वही करेगा। दुनिया में हर मखलूक का एक वजीफा है मछली का वजीफा अलग है परिंदों का वजीफा अलग है अखलाक का वजीफा अलग है जमीन का वजीफा अलग है और चांद सूरत का वजीफा अलग है इसी तरीके से आंख का वजीफा भी अलग है और जो आंख का वजीफा ये है यही दिल के तासुरात को तर्जुमानी दिल की करती है दिल में अगर दर्द है तो आंखों से नजर आता है इसीलिए जब हुसैन की याद मनाई जाती है तो उसका असर दिल के दिल तक होता है इंसान का वजूद होता है और जितना वो वजूद होता है वो उतना ही इंसान को याद करता है और जब याद करता है तो उसके असरा करके नजर आना शुरू हो जाता है। इसी आंख के आंसू के लिए कहा गया है कि इसको जमा किया जाएगा और एक नहर है जन्नत जिसे नहर नहरे हैवान कहा जाए आंखों के आंसुओं से बनी जन्नत नहर आंसू से ही वो नहर बह रही है। अब सोचिए कि क्या आपके आंसू की कीमत है जन्नत की नहर बन के बहना शुरू कर सारा इसमें सिलसिला जो आंखों के आंसू का है वो हुसैन इब्ने अली को बनाया हुसैन जन्नत के मालिक जन्नत बनी हुसैन के नूर से और उस जन्नत में एक नहर ऐसी बह रही है जो चाहने वाले के आंखों चाहने वालों के आंखों को रहे अब आप समझ लीजिए किसकी क्या हैसियत क्या है कि आंसू कहाँ तक पहुंचा आंसू वो है कि जो बाप जन्नत के दुआ भी देगा इसीलिए कहा गया है कि
عبدي في جور جوين أرجوني وعليكي سنيرة تدهين بنادي رونا ہی نہیں اور اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم رو نہیں پاتے لیکن رونے والی سنت جو بن جائے اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کے لیے بھی جنت تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے عزیز یوجنا میں اللہ کی ابتدا ہے ابھی بڑے مراحل میں آج کی رات کو بڑی خطرناک رات ہے اس معاملے میں کہ اس رات میں یہ رات گزرے ہی بس اور اس کے بعد شروع ہوگی اور تقریباً چار کے وقت امام حسین کا ہوگا چلے تھے تو کس طرح سے کہ 28 رجب کو امام نے اپنے قافلے کا آغاز کیا ابھی بیعت کا سوال کیا گیا میں آپ کو بتاؤں کتنا حسین کتنا مدبر اور کتنے کتنے عظیم اس کا اندازہ نہیں کیا گیا جس وقت ولید نے بلایا ہے امام حسین کو اور امام حسین اب بنی ہاشم کے ساتھ پہنچے ہیں ولید کے دروازے پر 18 بنی ہاشم شمشیر برہنہ یہ باہر کھڑے تھے اور حسین نے کہا تھا دیکھو میری آواز بلند ہو کر کے منگتا ہے تو وہ انتظار میں تھے لیکن اندر جا کر امام حسین نے اتنا تدبیر سے کام کیا کہ کچھ سوچ رہے امام حسین کو بتایا گیا کہ معاویہ ملعون جہنم واصل ہو گیا ہم اور آپ ہوتے تو فوراً خوشی منا لیتے ہم تو کہتے بڑا اچھا ہوا لیکن یہ امام کی ڈپلومیسی تھی کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہوا کہ برا ہوا امام نے کرنا استمتاع ہو انا للہ تو ہر ایک کے لیے اپنی ٹیبل ہے چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو چاہے وہ خبیص ہو اور چاہے وہ نیک ہو امام نے اس کے لیے بہت دیا پھر کہا گیا کہ یہ یزید نے خط بھیجا ہے ذرا پڑھو اور خط میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر امام حسین نے کہا کہ تم کیا چاہتے ولید نے کہا کہ آپ بیعت کیجئے یزید کا سوال ہے اب اگر امام فوراً کہے گی کہ میں بیعت نہیں کروں تو وہیں پر پورے بھی ہو سکتی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ انکار بیعت کیا تھا اس لیے اور یہ بات صرف دارالعمارہ کے اندر ہوتی باہر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتی کیا گفتگو ہوئی کیا ہوا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام نے معاذ اللہ کچھ غلط کہا یزید کو یا معاویہ کو اس وجہ سے باہر بڑھ گئی جو بھی ان کے اوپر الزام لگا دیتے لیکن امام نے کچھ نہیں کہا اس بارے میں امام نے کہا کہ ولید یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ رات کی تنہائی میں تیرے گھر میں ہو کل مسجد میں ملیں گے کل وہاں بات ہوگی امام نے معاملے کو پوسٹپون کر دیا مگر امام نے کوئی ایسی گنجائش نہیں دی کہ وہ سمجھے کہ امام انکار کر رہے ہیں ابھی تک گنجائش ہے وہ بھی ولید جانتا تھا امام کو اچھے طریقے اور وہ سمجھ رہا تھا امام سے زبردستی نہیں کی جا سکتی اور وہ جانتا تھا کہ حسین بیعت نہیں کرے لیکن اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو بات ریزنیبل ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کل جائیں گے مسجد میں پیش کیا جائے گا ان کے سامنے جو فیصلہ کریں گے حسین کل مسجد میں سب کے سامنے ہوگا امام حسین سب کے سامنے یہ فیصلہ کرنے والے ختم ہو جاتا اس لیے امام نے کہا کل بات ہوگی امام کو چلنے لگے امام جب اٹھ کے چلنے لگے تو وہاں مروان لگا اور مروان نے ولید سے کہا کہ ولید اگر آج حسین تمہارے قابو سے نکل گئے تو یہ سمجھ لو کہ حسین کبھی بھی تمہارے قبضے میں نہیں بس یہ سننا تھا کہ فرزند رہا تو چلا فرماتے ہیں جب نہ سرتا تیرے کے مچال کہ تم اس سے بیعت دے گا اور اس کے بعد ایک عجب جملہ فرماتے ہیں جو آج تک تاریخ میں ہے کہتے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ایک نتیجہ امام نے دے دیا یہ آواز جیسے ہی بلند ہوئی وہاں بنی ہاشم کے باہر کھڑے تھے اور تلواریں لے کر کے اندر داخل ہو گئے ارے انہوں نے آ کر کے جیسے ہی اندر داخل ہوئے پتہ نہیں مجھے کیا نہیں بھیا عباس یہ وقت نہیں ہے تلوار چلانے کا چلو واپس کر
इमाम मेरा इशारा कि मैं कहो मौला अभी तो अंतारा तलवारे हैं, अभी ये बाजू बड़ी हाशिम के हैं, अभी ये मदीना है आपकी और आई को पलट के कहेंगे और ये रात के पहर जाते हैं नाना के कब्र पर, वो कहां पहुंचे हैं मजदूर की कब्र पर, इनके बाद से काबिल से कब्र से आ जाते हैं नाना अब मदीना रखे के साथ बेटे अल्लाह यो चाहता है कि तुम उसकी राह में पकड़ हो जाओ। मैं कहूंगा यार रसूल अल्लाह मुसाइब तो हो जाए लेकिन ये मस्तूरात तो फिर आगे बढ़ के रसूल कहते हैं और वो चाहता है कि तुम्हारे घर की औरतें सहेली बनाए। हे बेटा तुम्हारी मंजिल अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद है मगर वो तुम्हें एक खून के दरिया से गुजर के रिमूव कर नाना से रुख्सत की भाई की कब्र पर गए। आपने जाकर इनसे जमा करवाया कहा इसके पैसे रुख्सत घूमने में मुझे मालूम था लेकिन माँ के लिए सुना है तो माँ के लिए जब गए हैं तो किस अंदाज में गए नाना की कब्र पे आए थे तो चलते हुए आए थे लेकिन माँ की कब्र पे जब पहुंचे तो मैंने सुना है पैसे पहुंचे हैं तो बुढ़ी और चल के पहुंचे हैं जैसे एक बच्चा माँ की आगोश में जाता है। ए मारने की रानी अब उसे मुस्तक होने के लिए मैं कहूंगा माँ से क्या कहा होगा माँ ने क्या कहा होगा। मेरा दिल कहता है इस टाइम कब्र की आवाज आई हो ए बेटा तुम अकेले नहीं जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ ए बेटा मैं गांव ब गांव तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसके बाद काम फिलहाल रुख्सत हो रहा है कभी दो चार मिनट की जरूरत है बस एक मंदिर आपके जमीन में पेश करना है काम फिलहाल भी रुख्सत हो रहा है ये पर्दा लगा दिया गया है चारों तरफ सनाते रही है पूरा इंतजाम है एक बुजुर्ग जो कुर्सी पे बैठे हैं एक एक मजदूर घर से निकलती है जो मजदूर घर से निकलती है और यहाँ से के चंद जवान है जो उसको घेरे में ले लेते हैं और वो मजदूर अपने नाते तक आती है वो जवान में से जो महरम जवान है वो आगे बढ़कर उस मजदूर को सवार कर देता है। ये सिलसिला चलता रहा एक बीवी आई उसके साथ कुछ जवान थे कुछ उसके महरम थे जिन्होंने उसको बिठा दिया। ये सिलसिला चलते चलते रावी ने कहा एक मतलब हमने देखा एक बुलंद और बाला सब की उम्मीद के घर से निकले और जब वो घर से निकली तो
پروردگار تمام مشکلات تمام مصیبت تمام جو حالات ہیں سب کو پروردگار تو واقعی بے حسین کے صدقے میں ہماری ان مشکلات کو بھی اور امین کے درجات کو بلند کر دے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے ہماری توبہ کو قبول کر پالنے والے ہم کو زیارت امام حسین سے دنیا میں بھی مشرف فرما اور آخرت میں بھی ہم کو یہی توفیق عطا فرما کہ ان کے ساتھ ہمیں منشور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما تنسى